Okay. I'll share my screen. ठीक है, तो ईएमआर सबको पता है क्या है? कोई बता सकता है मुझे ईएमआर, व्हाट इज ईएमआर? नाम सुना है सर्विस का सबने? इलास्टिक मैप रिड्यूस। यस, बाकी लोग नाम सुना है? यस सर। मैंने बहुत बार रेफर किया है ईएमआर, जब ग्लू कर रहे थे हम लोग, कि ग्लू इज अ मैनेज सर्विस, ईएमआर इज अ प्रोविजन सर्विस, लेकिन देयर इज ऑल्सो ईएमआर सर्वरलेस दैट इज टोटली मैनेज्ड। ये सब आपने सुना है, राइट? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो अबाउट द सर्विस, बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सर्विस एटलीस्ट फ्रॉम इन द लेक्चर्स इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स ऑल्सो। आई हैव मेंशन मल्टीपल टाइम्स इन लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ग्लू में क्या पढ़ा था हमने, किसी को याद है? व्हाट व्हाई वी आर यूजिंग ग्लू? ग्लू क्यों यूज कर रहे थे हम लोग? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ग्लू? We were crawling the data from the S3 buckets, and then we were creating the databases in which we were having the tables which we have crawled, and then using the ETL jobs, we were performing the different transformations on it. यस यस, वहां पे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कर रहे थे, राइट? मतलब एक ग्लू एक ईटीएल सर्विस है विच हेल्प्स अस टू प्रोसेस आर डेटा एफिशिएंटली, एंड वी डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ एनी बैकग्राउंड रिसोर्सेस एंड बैकग्राउंड प्रोविजनिंग, राइट? ठीक है, ईएमआर भी डेटा प्रोसेसिंग की ही सर्विस है विच प्रोवाइड्स अस द क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम। ठीक है, हमने हडूप इकोसिस्टम देखा है। ठीक है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी स्पार्क एप्लीकेशन, इट इज अवेलिंग हडूप इकोसिस्टम ओनली, राइट? हडूप इकोसिस्टम में दोन मेजर कंपोनेंट्स कौन से? दो एक होता है मैप्रेड्यूस एफिशिएंट मैप रिड्यूस, एंड सॉरी मैप्रेड्यूस एफएस एंड मैप्रेड्यूस। एचडीएफएस एंड मैप रिड्यूस, राइट? व्हाट इज एचडीएफएस? दिस फाइल सिस्टम, हडूप हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, राइट? दैट इज फाइल सिस्टम मीन्स स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ एनी इको सिस्टम, मीन्स हडूप इको सिस्टम, एंड अदर इज मैप रिड्यूस इंजिन, राइट? दैट इज योअर प्रोसेसिंग इंजिन, मीन्स एनी इको सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज इंजिन विच इज यूज फॉर प्रोसेसिंग, एंड वन इज स्टोरेज वेयर वी स्टोर द डेटा, राइट? करेक्ट है। ग्लू के लिए हमारा स्टोरेज क्या था वैसे? S3, डेटाबेस S3, डेटाबेस थ्री S3, डेटा राइट? कैटलॉग। डेटा कैटलॉग इज नॉट अ स्टोरेज, इट इज जस्ट अ मेटा डेटा रिपोजिटरी, राइट? वेयर इज योर डेटा स्टोर्ड इन केस ऑफ ग्लू? S3 S3 है। S3, या S3 वॉज योर स्टोरेज, एंड वॉट वॉज द प्रोसेसिंग इंजन यू आर यूजिंग? प्रोसेसिंग इंजन क्या था? स्पार्क। पार्क। एंड इफ यू आर यूजिंग ग्लू कॉन्टेक्स्ट देन ग्लू ईटीएल इंजन ऑल्सो देयर, राइट? ग्लू का खुद का भी प्रोसेसिंग पावर है, बराबर? बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो मेजरली स्पार्क में हो रहे हैं, लेकिन ग्लू कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड चीजें, ग्लू के लिए भी खुद का इंजन होना जरूरी होगा, राइट? मेकिंग सेंस? डायनामिक फ्रेम, जॉब बुक मार्क, जॉब पैरामीटर्स, ये सब चीजें स्पार्क थोड़ी ना सपोर्ट करते हैं, बराबर? ग्लू का खुद का भी तो सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग इंजन होगा ही ना, टू प्रोसेस ऑल द फीचर्स ऑफ ग्लू, बराबर?
ये यस ठीक है। हम लोग सब। अभी देखो, मैंने टाइम एंड अगेन बोला था कि ईएमआर इज अ प्रोविजन सर्विस। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोविजन सर्विस? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज प्रोविजनिंग? व्हाट डज प्रोविजनिंग मीन? आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल रहा था शायद। प्रोविजनिंग मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड व्हाट एवर द कंपोनेंट्स कोर वी आर रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट कैन बी दोज कंपोनेंट्स? वी मेमोरी हैव, स्टोरेज इज सॉरी, लाइक EC2 इंस्टेंस वी हैव टू प्रोवाइड इट्स स्टोरेज मेमोरी। करेक्ट 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 मीन्स इन यू हैव स्टडीड स्पार्क आर्किटेक्चर, राइट? सर स्पार्क आर्किटेक्चर में जैसे हमारे EC2 में हमारे इंस्टेंसेस रहते हैं, तो स्पार्क आर्किटेक्चर में जब देखते हो आप, तो यू हैव अ प्राइमरी नोड, यस जिसको क्या यस बोलते हो आप, ड्राइवर, राइट? ड्राइवर एंड वर्कर यस ड्राइवर्स एंड वर्कर्स रहते हैं। तो व्हाट आर दोज ड्राइवर्स एंड वर्कर्स इन एनी इकोसिस्टम, मतलब क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में? वो एक खुद प्रोसेसिंग इंस्टेंसेस है, ठीक यस है, दैट हैज देयर ओन प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर इंक्लूड्स बोथ कंप्यूट, मेमोरी एज वेल एज स्टोरेज, राइट? यस सर तो जो भी आपके ड्राइवर है एंड मल्टीपल वर्कर नोड्स है, दैट इन AWS केसेस, व्हाट कैन बी दोज, मतलब आपके ड्राइवर और वर्कर नोड्स क्या हो सकते हैं? मतलब हमने एक सर्विस पढ़ी है, EC2 इंस्टेंस में जो होगा मतलब जो मशीन लेंगे हम यूज करेंगे वो एग्जैक्टली इंस्टेंस होगा। मतलब कोई भी क्लस्टर में, क्लस्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मशीन कनेक्टेड बाय नेटवर्क, राइट? यस सर क्लस्टर को कैसे डिफाइन करते हो वैसे आप? सर क्लस्टर एनी वन, ग्रुप ऑफ मशीन्स कनेक्टेड। यस, बोलो बोलो, कोई और डिफाइन कर सकता है क्लस्टर को? इफ एनी वन आस्क यू अबाउट एनी क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर? कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन इन योर ओन? क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड स्लेव कॉम्बिनेशन दैट इज अ सिंगल मास्टर एंड मेनी अदर स्लेव कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यू वांट टू से, ओके, नॉट एन इशू। नॉट जस्ट वन मास्टर, समटाइम्स फॉर फॉल्ट टॉलरेंस देयर कैन बी मल्टीपल मास्टर्स दैट सर्टेन क्लस्टर बेस्ड एनवायरमेंट्स कॉन्फिगर मल्टीपल मास्टर्स आल्सो। सो इट इज सो यू कैन से इट इज अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, या दैट इज आल्सो अ गुड डेफिनेशन। बट इन जनरल एनी क्लस्टर दैट यू हैव पर्टिकुलरली डिफाइंड वन टाइप ऑफ क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम, राइट? मास्टर स्लेव। देयर कैन बी अदर अदर आर्किटेक्चर्स ऑल्सो दैट आर देयर। इन जनरल इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन अ क्लस्टर, इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मशीन्स विच हैज कंप्यूट पावर एंड कनेक्टेड वाया नेटवर्क। फॉर क्यों करते हैं हम लोग एक कनेक्टेड वाया नेटवर्क क्यों करते हैं हम लोग? व्हाट पैरेलल कैन बी द प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टू अचीव कंबाइंड कंप्यूट, राइट? मतलब एक ज्यादा प्रोसेसिंग पावर का एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए दैट वी आर डूइंग ना। यू कैन यू प्रोसेस डेटा ऑन सिंगल सिंगल इंस्टेंस ऑल्सो? यस यू यस कैन। देन वाई यू आर कनेक्टिंग दोज मशीन वाया नेटवर्क? व्हाट इज द पर्पज? टू रिड्यूस टाइम, इम्प्रूव इफिशिएंसी। यस मीन्स यू वॉन्ट कंबाइंड कंप्यूट, कंबाइंड डेडिकेटेड कंप्यूट टू बी यूज फॉर प्रोसेसिंग योर जॉब, करेक्ट? मतलब आप कंबाइंड पावर यूज कर रहे हो। कैन देयर बी एनी अदर अप्रोच बाय विच यू कैन इंक्रीज योर कंप्यूट पावर ऑफ अ सिंगल मशीन? वर्टिकल स्केलिंग। यस, वर्टिकल स्केलिंग। इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द कंप्यूटिंग पावर, यू कैन मतलब यू कैन रीडिफाइन इट्स कॉन्फिग्रेशन ऑल्सो। ये समझ में आया? मतलब जनरली जब क्लस्टर की बात करते हैं हम लोग, वी आर रेफरिंग मेनली टू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मेकिंग सेंस? यस सर यस सर। ठीक है, चलो। तो EMR एक
एक प्रोविजन सर्विस है, ठीक है? तो व्हाट विल डू इज विल गो थ्रू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईएमआर क्लस्टर्स आर, ठीक है? तो हम लोग आज एक बेसिक ईएमआर क्लस्टर प्रोविजन करते हैं। पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रोविजनिंग के लिए। सो एंड देर आर नो ऑप्शंस फॉर फ्री टीयर इंस्टेंसेस टू बी सिलेक्टेड इन ईएमआर। तो आप कोई भी इंस्टेंसेस चूज करोगे, दे विल हैव देयर कॉस्ट, ठीक है? तो T2 माइक्रो, T3 स्मॉल, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है जो फ्री टीयर में है, दैट आर नॉट अवेलेबल इन ईएमआर व्हेन यू आर चूजिंग योर प्राइमरी एंड कोर नोड्स, ठीक है? तो यहाँ पे अभी कभी भी क्लस्टर प्रोविजन करोगे, इट विल इनकर सर्टेन कॉस्ट। तो दैट इज हेड्स अप फॉर यू गाइज। बाद में मतलब ये क्वेश्चन फिर से मत पूछना कि पैसे लगेंगे क्या, पैसे लगेंगे, ठीक है? तो हम लोग एक बेसिक क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन से प्रोविजन करेंगे क्लस्टर, सो दैट वील इनकर लेस कॉस्ट। अभी तो आपके पास क्रेडिट भी है, ठीक है? दैट शुड नॉट वरी यू गाइज रिगार्डिंग प्रैक्टिस एंड ऑल। हैव यू गाइज शेयर्ड आईएम यूजर्स अमॉन्ग यूर सेल्फ? हैज एवरीवन गॉट एक्सेस टू क्रेडिट्स? Yes, अगर yeah. नहीं, किसी को ऐसे कोई है ऐसे जिनको नहीं है, मतलब क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, सर मुझे नहीं मिले मुझे आपने ट्राई किया बाकी लोगों से बात करने का, किसी के पास है नहीं है? मैंने उस दिन बोला था नहीं, ठीक है आप बात कर लो, अगर किसी के पास है ना आई एम यूजर, इफ दे कैन प्रोवाइड। देखो आपकी जरूरत है, यू नीड टू अप्रोच अदर्स, ठीक है? कोई आपको आगे से बोलेगा नहीं भाई मेरे पास क्रेडिट है ये ले आई एम यूजर। यू नीड टू अप्रोच सर्टेन पीपल जिनके पास क्रेडिट है, राइट? तो आपने अगर मतलब वो कर लो, ठीक है, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है? तो वो कर लो सो दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस ईएमआर। लेट स्टार्ट विथ ईएमआर। हम लोग क्या करेंगे आज, जो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कंसोल के, विल राइट इट डाउन इन नोट्स, ठीक है? सो देखो पहले तो ओके, लेट्स गो बैक इंट्रोड्यूस दिस, ठीक है? तो ये है हमारा फर्स्ट पेज ऑफ ईएमआर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, दिस विंडो पॉप्स अप। सो ईएमआर के लिए ना देर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन क्रिएट अ क्लस्टर विद। पहला देखो, Amazon EMR running on Amazon EC2, ठीक है? सेकेंड है Amazon EMR Studio, थर्ड इज Amazon EMR Serverless, फोर्थ इज Amazon EMR on EKS, ठीक है? तो हम लोग अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन से करने वाले, मतलब हमारे जो भी नोड्स रहेंगे दोज विल बी EC2 instances, ठीक है? EMR with EC2 instances, एंड इन फोर्थ केस Amazon EMR on EKS, that is Elastic Kubernetes Service. Kubernetes पता है सबको? किसी को पता है Kubernetes के बारे में? Docker based technologies पता है? Container technologies. तो short container में Docker आता है, Kubernetes आता है, ठीक है? तो container कुछ नहीं है, वो भी sort of एक processing environment ही provide करते हैं, ठीक है? आइसोलेटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट करते प्रोवाइड, ठीक है? तो EC2 इंस्टेंस और कंटेनर्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद EKS एंड ऑल। इन जनरल हमारे डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स में EKS बेस्ड क्लस्टर बहुत कम रहेंगे, ठीक है? तो मतलब तो हमें मेन फोकस करना है EMR विद EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है? नो नीड टू वरी अबाउट द फोर्थ ऑप्शन। इफ एंड वेन यू नीड इट, यू विल लर्न इट, ठीक है? इफ यू नो वॉट क्लस्टर इज एंड वॉट एवर द अंडरलाइंग एलिमेंट इज, दैट वॉन्ट मैटर मच। यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू प्रोविजन इट। इफ यू नो हाउ टू प्रोविजन ई एम आर क्लस्टर विथ EC2 इंस्टेंसेज अंडरलाइंग, यू विल बी एबल टू प्रोविजन फॉर ई के एस ऑल्सो। इफ यूर कंपनी इज यूजिंग ई एम आर ऑन ई के एस, यू विल फिगर आउट, ठीक है? तो हम लोग दोनों चीजें नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे EMR रनिंग ऑन EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है? हम लोगों ने EKS पढ़ा नहीं है, वी हैव स्टडीड EC2, सो विल टेक दिस फर्स्ट वन। व्हाट इज EMR स्टूडियो? EMR स्टूडियो क्या है?
सॉर्ट ऑफ एक वर्कस्पेस वगैरह, आपको पता है हमने वर्कस्पेस वगैरह देखा था कहीं पे, एथेना में देखा था शायद, है ना? डू यू गाइज रिमेम्बर दैट वर्कस्पेस के बारे में देखा था? वी हैव क्रिएटेड वर्कस्पेस, ऑफ ठीक है, तो व्हाट इज वर्कस्पेस, कैन एनीवन टेल मी? बोल सकता है कोई? वर्कस्पेस कुछ नहीं है, एक एक सर्टेन एप्लीकेशन के लिए, इफ यू आर क्रिएटिंग सर्टेन, क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड ग्रुप ग्रुप सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल एप्लीकेशन देयर, यू कैन राइट मल्टीपल प्रोग्राम्स देयर, ठीक है, इट विल हैव अ कॉमन एक्सेसेस एंड कॉमन कॉमन परमिशंस, ठीक है, तो कैन अ वर्कस्पेस हैव मल्टीपल स्टेशंस? बताओ, हमने देखा था एथेना में, एक वर्कस्पेस में मल्टीपल नोटबुक क्रिएट कर सकते क्या हम लोग, यस इट कैन राइट हैपन। right? ठीक है, तो मतलब एक वर्कस्पेस कुछ नहीं है, कलेक्शन मतलब कंबाइंड परमिशंस है, ठीक है, इफ देर आर टू टीम्स दैट आर वर्किंग ऑन टू डिफरेंट ट्रैक्स, यू कैन क्रिएट डिफरेंट वर्कस्पेसेस। व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट डिफरेंट वर्कस्पेसेस? टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इकोसिस्टम। समझ में आया? ठीक है, तो EMR स्टूडियो इज फॉर इज यूज फॉर रनिंग जुपिटर सॉर्ट ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, तो इंटरैक्टिव वर्कलोड के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। EMR स्टूडियो इज अ वेरी लेटेस्ट एडिशन टू EMR, तो पहले तो कोर ऑफ EMR वाज दिस वन, EMR ऑन EC2, तो अभी ये सारी चीजें नई नई ऐड हो रही है, जैसे EMR स्टूडियो, EMR सर्वरलेस, EMR सर्वरलेस इज ऑल्सो अ लेटेस्ट एडिशन, इट वॉज एडेड जस्ट ईयर बैक, ईयर भी नहीं हुआ, 6 महीने हो गए होंगे ये परमानेंट स्टेबल वर्जन आने के बाद, ठीक है। तो EMR सर्वरलेस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? हमने देखा अब तक, व्हाट इज सर्वरलेस, तो EMR सर्वरलेस में क्या होगा जो EMR प्रोविजन में, प्रोविजन से एडवांटेजेस होगा हमारे लिए? The services would be managed by AWS instead of the users. एग्जैक्टली मतलब ग्लू जैसे ही होगा वो, Yes, sir. ठीक है, मतलब हमें क्लस्टर मैनेजमेंट की कोई भी जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जस्ट इग्नोर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी क्यूबरनेटिस सर्विस एंड EMR यूजिंग क्यूबरनेटिस ऑल्सो, इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन डू दैट, बट आई वोंट रिकमेंड, ठीक है, आपको ये अगर EMR यूजिंग EC2 भी आ गया ना, बहुत है, ठीक है, एंड इफ इफ एट ऑल नीड अराइजेस रिगार्डिंग EMR स्टूडियो एंड EMR सर्वर, यू विल लर्न इवेंचुअली, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी सर्विस का ना आपको अगर कोर आ गया ना, यू विल फिगर आउट वेरिएशन ऑफ इट, ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दिस पार्ट, ओके, क्रिएटिंग अ क्लस्टर, तो विल राइट इट हियर, स्टार्ट विद दिस थिंग। क्या हमारी ये सिक्स सर्विस है, राइट? यस इलास्टिक मैप प्रोड्यूस, ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ EMR आर्किटेक्चर एंड प्रोविजनिंग, इसमें हम लोग सब पॉइंट्स ऐड करेंगे, ओके, चलो, तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर देयर, हम लोग देखते हैं, तो हमें हम अपने क्लस्टर को नाम देते हैं डेटा, ठीक है, यहाँ पे EMR रिलीज वर्जन, देर आर डिफरेंट वर्जन, वर्जन्स तो पता है, एक सॉफ्टवेयर के वर्जन्स क्यों आते हैं ये पता है सबको, कोई बता सकता है क्या एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स क्यों आते हैं? इम्प्रूव फीचर्स यस, न्यू फीचर्स गेट्स एडेड टू रेक्टिफाई
अनस्टेबिलिटी इन प्रीवियस वर्जन, वॉट एवर द फीचर्स दैट आर अनस्टेबल, कोई एरर्स है, कोई इश्यूज है, वो हमें अगले वर्जन में हम लोग उसका नया बिल्ड डाल के वो सारे रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स। एक बात ध्यान में रखो, जब भी बताओगे ना कभी अपने इंटरव्यू में यू हैव बीन वर्किंग सिंस 4 ईयर्स ऑन EMR, तो आपको ना पता रहना चाहिए कि कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे ना, यू शुड कीप इन माइंड कि मैं अगर बता रहा हूँ कि लास्ट 2 ईयर से मैं EMR यूज कर रहा हूँ, तो वॉट वर्जन आई वॉज यूजिंग एट दैट टाइम एंड वॉट वर्जन आई एम यूजिंग नाउ, ठीक है। तो यू शुड बी सर्चिंग फॉर दैट वर्जन, वन पर्टिकुलर वर्जन, एंड वॉट आर द डिफरेंट ऑप्शन दैट इट इट वॉज प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ना इस डिरेक्शन में सोचने का ट्राई करो, मतलब आप कभी पकड़े नहीं जाओगे कोई इंटरव्यू में, ठीक है। ये समझ रही है बात मेरी किसी को? यस सर, यस सर, हाँ, सर तो ये ध्यान में रखो आखिरी में, मतलब यू विल फिगर इट आउट एट द एंड, जस्ट आई एम हेल्पिंग यू आउट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो वी आर चूजिंग लेटेस्ट वर्जन ओनली, ओके। व्हाट इज दिस एप्लीकेशन बंडल? एप्लीकेशन बंडल क्या है? रोक डालते हैं, चलो। एप्लीकेशन बंडल है एक क्लस्टर, आपके EMR क्लस्टर में कौन से एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट प्री कॉन्फिगर्ड बंडल्स प्रोवाइडेड बाय AWS, ठीक है। तो फॉर स्पार्क इट हैज सिलेक्टेड स्पार्क एंड जेपलिन। जेपलिन इज अ सॉर्ट ऑफ नोटबुक ओनली, लाइक जुपिटर नोटबुक, ठीक है। यू कैन चूज डिफरेंट वेरिएशन इफ यू वॉन्ट, यू कैन चूज जुपिटर हियर ऑल्सो, यू विल चूज जुपिटर लैब इफ यू वॉन्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो कस्टम हो गया। तो अगर ये बंडल है ना, ये प्री कॉन्फिगर्ड बंडल है। इफ यू सी फॉर स्पार्क इट इज स्पार्क एंड जेपलिन, फॉर कोर हडूप इट हैज चोजन क्यू हडूप हाइव तेज। तेज 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 पता है आपको? तेज एक इंजिन है, राइट? तेज के बारे में पता है? हाइव हाइव नहीं पढ़ा है आपने, है ना, ठीक है। तेज इज क्लस्टर इंजिन विच इज फास्टर देन मैप रिड्यूस। तो पहले मैप रिड्यूस ज्यादा यूज होता था, बाद में हडूप बेस इकोसिस्टम में तेज इंजिन जब से आया है तब से ज्यादा तेज इंजन यूज होता है। तो तेज इज बिट फास्टर देन मैप रिड्यूस, ठीक है। ह्यू ह्यू सॉर्ट ऑफ सिक्वल बेस्ड एप्लीकेशन है विच प्रोवाइड यू सिक्वल इंटरफेस टू योर हडूप, ठीक है। इफ यू वॉन्ट यू कैन सर्च अबाउट इट एंड राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है। मतलब अगर आपको अवेयरनेस चाहिए कोई भी इकोसिस्टम के बारे में या फिर कोई एप्लीकेशंस के बारे में, एंड यू डोंट वांट टू फील लाइक यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग व्हेन समवन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सर्च अबाउट इट, बिल्ड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इट समवेयर, ठीक है। नो नो नीड टू डू इट फॉर एवरीथिंग बट जस्ट फॉर स्पार्क एंड कोर हडूप पार्ट, ओके। हाइव हाइव तो पता है आपको, हाइव पता है क्या क्या है? हाइव पता है क्या? डेटा वगैरह हाइव पढ़ा है नहीं, ठीक है। चलो हाइव क्या है पता है क्या? जनरली पहले क्या था, चलो स्टोरी बताते हैं हम लोग। पहले एक सॉर्ट ऑफ हडूप एक जावा बेस्ड मैप रिड्यूस एक जावा बेस्ड इंजिन है, राइट। तो पहले आपको मैप रिड्यूस में अगर कोड लिखना है, कोई भी कस्टम फीचर्स लिखने हैं, यू नीडेड यू रिक्वायर्ड जावा, ठीक है। जावा एक थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। फॉर प्रोग्रामिंग इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो जो लोग सिक्वल डेवलपर है उनके लिए हाइव एक सॉर्ट ऑफ व्हाट डू यू से फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया जिससे यू गॉट इंटरफेस टू हडूप इकोसिस्टम यूजिंग सिक्वल क्वेरी, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू सबमिट सर्टन जॉब, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट टेबल ऑन दैट इको सिस्टम, इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म रिट्रीवल लॉजिक, रिट्रीवल क्वेरीज परफॉर्म करनी है, तो इट मेड इट वेरी इजी फॉर सिक्वल डेवलपर। तो हाइव जो है ना एक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड यू इंटरफेस टू योर हडूप इको सिस्टम,
हाइव की क्वेरी लैंग्वेज है एचक्यूएल, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, विच इज नथिंग बट वेरी मच सिमिलर टू सिक्वल ओनली। थोड़े बहुत एडिशनल चीजें रिलेटेड टू हडूप इकोसिस्टम आया है उसमें, लाइक व्हेन यू क्रिएट सर्टेन टाइप ऑफ टेबल्स, देर आर एक्सटर्नल टेबल्स, इंटरनल टेबल्स, देर आर सर्टेन सीरियलाइजर्स, डीसीरियलाइजर्स दैट आर देयर, ठीक है। तो वो सब चीजें हाइव में डाली है, लेकिन जब आप क्वेरी करते हो हडूप में से, मतलब क्वेरी कहाँ से करते हो, एचडीएफएस में से डेटा, राइट, तो वो वेरी मच सिमिलर टू सिक्वल ही है। तो व्हाट इज हाइव? हाइव इज नथिंग बट सिक्वल बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड टू एक्सेस फंक्शनैलिटी ऑफ हडूप इकोसिस्टम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। व्हाट इज हडूप? हडूप तो पता ही है, राइट? कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज विद हडूप? हाँ बोलो। बिग डाटा, वी डील विद द बिग डाटा दैट इज विच इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड ह्यूज इन अमाउंट. ठीक है, मतलब अगर हडूप को कोई बोलता है आपको, डू यू नो अबाउट हडूप, व्हाट कैन यू टेल अबाउट हडूप, क्या एक बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड्स एन इकोसिस्टम फॉर प्रोसेसिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल कुछ भी, मतलब यही वर्ड्स है, सिंपल सिंपल, लार्ज स्केल एप्लीकेशन, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, या फिर ऐसे ही वर्ड यूज करना, ठीक है, तो आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि इसको पता है, ठीक है। पिक के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि मुझे भी पता नहीं है पिक क्या करता है। स्कूप, अगर स्कूप मुझे पता है क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में यूज होता है। स्कूप एक एक्सट्रैक्शन फ्रेमवर्क है विच हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। तो बाकी तो ये जुपिटर हब तो पता है, जुपिटर नोटबुक है, जेपलिन, जेपलिन इज ऑल्सो नोटबुक, प्रेस्टो इज ऑल्सो अ सिक्वल बेस्ड इंजिन ऑनली लाइक यू, ठीक है। बाकी तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। फ्लिंग वगैरह भी, फ्लिंग भी डेटा प्रोसेसिंग सॉर्ट ऑफ अपाचे का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, लाइक स्पार्क ऑन फ्लिंक, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। सो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन बंडल दैट आर प्री कॉन्फिगर्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय ईएमआर। सो इफ यू कैन सी, दिस इज स्पार्क, दिस इज कोर हडूप बंडल, दिस वन इज फ्लिंक। जैसे मैंने अभी बताया, स्पार्क जैसा ही एक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है फ्लिंक भी। देर इज व्हाट, देर इज अ डिबेट बिटवीन विच वन टू यूज, वेदर टू यूज फ्लिंक और स्पार्क फॉर विच टाइप ऑफ लोड। स्पार्क इज मोर प्रेफरेबल, विच टाइप ऑफ लोड फ्लिंक इज मोर प्रेफरेबल। ये मैंने एक हैकर नून का आर्टिकल सेंड किया था क्या आपको, स्पार्क और फ्लिंक के बारे में? इफ यू आर इंटरेस्टेड नो, आई विल शेयर, ठीक है। मैंने पढ़ा था ये हैकर नून का आर्टिकल, तो आई विल शेयर इफ आई हैव इट, ठीक है। क्या होता है ना, आप अगर अलग अलग चीजें पढ़ते हो ना, यू योर होराइजन वाइडन्स, ठीक है। तो वेन यू आर डिस्कसिंग इट विथ समवन लाइक योर मैनेजर और कलीग, यू हैव सर्टेन पॉइंट्स टू कंट्रीब्यूट टू इट, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है वो करो, सबको, मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो आपको बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड सच आर्टिकल्स बिकॉज इट वाइडन्स योर होराइजन इमेंसली, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट विथ सर्टेन आइडियाज, दे डू अप्रिशिएट दैट, ठीक है। तो एज बेस भी वैसा ही बंडल दिया है, एज बेस का, प्रेस्टो, ट्रीनो, एंड देर इज ऑप्शन फॉर कस्टम, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ कस्टम बंडल ऑल्सो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिलेक्ट इट, एंड डोंट वॉन्ट दिस, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट योर ओन बंडल, बट एक वार्निंग है। तो क्या होता है पता है क्या, देर आर सर्टेन डिपेंडेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जैसे स्पार्क के लिए ना एज सच कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन हाइव के हडूप के लिए शायद एक कोई, शायद जू कीपर लगता है शायद, आई डोंट नो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो डिपेंडेंसी अगर हमें समझ में नहीं आती और हम लोग कुछ भी अपने मन से सिलेक्ट करते हैं ना, तो क्लस्टर प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये समझ में आई ये चीज मैंने क्या बोला अभी? किसी यस सर. को नहीं समझ में आई है, मैं फिर से बताता हूँ। बोलो।
अरे बोलो, हेजिटेट मत करो, बोलो ठीक है। हम अगर नहीं समझ में आ रही है तो बोलो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा ठीक है। आज का पढ़ाने के बाद अगर कल प्रैक्टिस नहीं करके आते हो तभी बोलता हूँ मैं। आज के आज अभी के अभी समझना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता सबसे ठीक है। इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट जस्ट फील फ्री टू से दैट ठीक है, से इट आउट लाउड कि अभी नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करो, उसके बाद मुझे समझ में आया तो बताऊंगा मैं ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि वी आर नॉट दैट इक्विप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिपेंडेंसीज नीडेड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हडूप के लिए अगर समझो ज़ूकीपर लगता है एंड वी हैवंट सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, तो वो क्लस्टर प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम देता है क्योंकि कुछ एनवायरमेंट्स की कुछ एप्लीकेशन के साथ डिपेंडेंसी है ठीक है। तो वॉट विल डू इज विल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्ट वन बंडल ठीक है, उसमें अगर ऐड करना है तो कर लो, लेकिन उसकी डिपेंडेंसीज को जो प्री डिफाइंड डिपेंडेंसीज है ना, टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। जब भी कस्टम बना रहे हो ना, जस्ट सर्च थ्रू एप्लीकेशन बंडल प्रोवाइडेड बाय AWS EMR ठीक है। अभी हडूप के साथ इसने तेज दिया है ठीक है, तो व्हेन आई एम डूइंग इट यूजिंग कस्टम, इफ आई एम सिलेक्टिंग हडूप विथ सम अदर थिंग्स, आई शुड कीप इट माइंड कि अगर इसने बंडल में दिया है मतलब तेज इज रिक्वायर्ड, नॉट एवरी टाइम बट दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। इफ यू कैन सर्च ऑल्सो वेदर तेज इज मैंडेटरी व्हेन आई एम कॉन्फिगरिंग हडूप ऑन EMR, तो वो बेटर रहता है ठीक है। अभी की बात मैंने जो की समझ में आई क्या, बाउंसर गई है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समझ में आया किसी को, यस सर, कि मैं ही बोले जा रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यस सर, समझ। ठीक है। चलो व्हाट विल डू इज विल सिलेक्ट दिस स्पार्क इन दिस ठीक है, स्पार्क करते हैं, जुपिटर नोटबुक करते हैं, थोड़ा सा हेवी प्रोविजनिंग कर रहे हैं हम लोग, क्यू इज नॉट रिक्वायर्ड, हाइव कर देते हैं। आज के लिए ना हम लोग कुछ परफॉर्म नहीं करने वाले हैं ना, तो विल कीप इट सिंपल ठीक है, सिर्फ प्रोविजनिंग करेंगे, तो विल कीप इट सिंपल, विल सिलेक्ट स्पार्क विद टू नोड्स ठीक है। लेट्स नॉट कंसिडर जेपलिन ऑल्सो, विल सिलेक्ट जुपिटर विद स्पार्क। देर इज एप्लीकेशन बंडल समझ में आया, डू वी नीड टू राइट समथिंग अबाउट इट? हेलो सर, अभी यस बोलो। जब हमने स्पार्क सर्च किया था तो उसने जेपेलिन दिया था, तो अभी यस हमने जुपिटर सिलेक्ट किया है, तो जेपेलिन इग्नोर किया तो चल जाएगा सर? हाँ, क्यों, ये मुझे पता है इसलिए मैंने इग्नोर किया ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा ओके हूँ पता है क्या आपको, ओके क्योंकि हमें पता नहीं रहती है कुछ डिपेंडेंसी। आई नो दैट जेपलिन इज जस्ट अ नोटबुक ठीक है, तो जुपिटर इज ऑल्सो अ नोटबुक, तो आई हैव रिप्लेस द जेपलिन विद जुपिटर ठीक है। लेकिन ओके मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि हमें इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है राइट, दीज आर डिफरेंट ऑप्शन दैट आर देयर। हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सा नोटबुक ऑप्शन है, कौन सा इंजिन ऑप्शन है, लाइक तेज इज द इंजिन, हमें वो नहीं पता है। हडूप के साथ अगर तेज दिया है मतलब हडूप, और समझो आपने हडूप सिलेक्ट कर लिया, हाई भी नहीं सिलेक्ट किया, स्पार्क भी नहीं सिलेक्ट किया, तेज भी नहीं सिलेक्ट किया, मीन्स हडूप डजंट हैव इंजन इटसेल्फ, इट विल बी यूजिंग मैप रिड्यूस बट समटाइम्स इट गिव्स अ प्रोविजनिंग इश्यूज, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे ठीक है। नॉट नेसेसरीली बट देता है कभी कभी, आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम, दैट्स आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ठीक है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन जस्ट बी कॉशियस ठीक है, अगर इश्यूज आ रहे हैं तो दिस इज द पॉइंट वेर यू कैन रिविजिट कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है ठीक है। कभी भी एरर आने के डर से ट्राई ट्राई नहीं करना, ये सोल्यूशन नहीं है, ट्राई इट आउट, बट इफ यू फेस एनी एरर एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट कीप इन माइंड कि दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एरर, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज AWS ब्लू डेटा कैटलॉग सेटिंग्स, हम लोग लिखने वाले थे बंडल के बारे में, व्हाट कैन आई राइट अबाउट दिस एप्लीकेशन बंडल, बता सकता है कि कोई, दिस इज प्री कॉन्फिगर्ड एप्लीकेशन कलेक्शन प्रोवाइडेड बाय EMR टू बी लॉन्च वाइल बूटस्ट्रैपिंग, ये क्या लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या, बूटस्ट्रैपिंग वगैरह
सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हो, अगर उसमें ओएस नहीं है तो यू नीड, जब आप खरीदने जाते हो वो बोलता है ओएस डाल के देता हूँ, राइट? तो इट इज सिमिलर, जब आप कोई भी कोई भी इकोसिस्टम को प्रोविजन कर रहे हो, एक होता है हार्डवेयर का पार्ट, एक होता है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर पार्ट। हमने अब तक पहले अभी एप्लीकेशन चूज किए, जब वो हार्डवेयर प्रोविजन होता है ना हमारे क्लस्टर का, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन हमने एप्लीकेशन बंडल में सिलेक्ट किए ना, वो बूटस्ट्रैप होते हैं, मतलब दोज एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड बाय AWS व्हेन द हार्डवेयर गेट्स प्रोविजन। मतलब देखो, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक कोई भी लैपटॉप के शॉप में जाते हो, यू चूज विच लैपटॉप यू वांट, राइट? यू चूज अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन, ठीक है? उसके बाद अगर उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, यू हैव चोजन हार्डवेयर, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, तो द पर्सन ऑफर्स यू टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट, मीन्स यू हैव चोजन योर हार्डवेयर बिफोर यूजिंग दैट लैपटॉप, यू विल बी इंस्टॉलिंग सर्टन सॉफ्टवेयर इन इट, देन यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर प्रोसेसिंग नीड्स, राइट? मेकिंग सेंस? यस सर, ठीक है, तो ये भी वही है, आपका एक बार हार्डवेयर प्रोविजन हो जाता है, उसके बाद ये बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है, व्हेन एनी मशीन इज गेटिंग लॉन्च एट दैट टाइम सर्टन डिपेंडेंसीज और सर्टन सॉफ्टवेयर गेट ऑटोमेटिकली रन, मतलब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन योर हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है? बूटस्ट्रैपिंग वही होता है, एट द स्टार्ट जब प्रोविजन हो रही है चीजें, उस टाइम पे प्रोविजनिंग कंप्लीट, सॉरी, प्रोविजन हो रही है तब नहीं, प्रोविजनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके हार्डवेयर मशीन पे आपके कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप। समझ में आया ये लाइन? समझ में आई क्या? प्री कॉन्फिगर्ड एप्लीकेशन कलेक्शन प्रोवाइड बाई EMR टू बी लॉन्च्ड वाइल बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है? चलो, एप्लीकेशन बंडल कौन कौन से देता है, एग्जाम्पल लिखते हैं क्या? चलो, स्पार्क का एप्लीकेशन बंडल है, और क्या है, कोर हडूप का हेलो एक है, ठीक लिंक है ठीक है, फ्लिंक है, ठीक है, इतना ठीक है हमारे लिए, और देर इज ऑप्शन फॉर कस्टम ऑल्सो, कस्टम ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें और कोई पॉइंट, किसी को यार ऐसा कोई पॉइंट जनरेट हो रहा है जो वी कैन राइट इट हियर? बोलो। While creating the custom application, we need to keep in mind the pre-built configurations also. हाँ ठीक है, वो याद रख लो, ठीक है, वो कीप इन माइंड, मतलब वो याद ही रख लो अभी के लिए, ठीक है? तो वो लोग वो चीज लिखते नहीं है, मैंने सिर्फ वो आपको एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ एरर का सोर्स बताया है, ठीक है? कभी कभी ये इश्यू आ सकता है, जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड, नो नीड टू राइट इट एज अ पार्ट ऑफ थियोरी, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है AWS ब्लू डेटा कैटलॉग सेटिंग्स। तो ये क्यों, क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पे पढ़ोगे ना, यूज AWS ब्लू डेटा कैटलॉग टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल मेटा स्टोर फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है? समझ में आया किसी को व्हाट इज एक्सटर्नल मेटा स्टोर? ब्लू कैटलॉग क्या है पता है? सेंट्रल मेटा डेटा रिपोजिटरी है हमारी, बराबर? समझ Yes. में I think आया? it is related to databases or tables in your या catalog. मेटा डेटा ही है ना, वो उसमें हाँ मेटा डेटा ही आता है, राइट? यस. तो सेंट्रल मेटा डेटा रिपोजिटरी है, तो एक ग्लू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लू सर्विस में ही ग्लू डेटा कैटलॉग यूज होता है। AWS डजंट हैव एनी ऑप्शन टू हैंडल एज सच एनी मेटा डेटा के लिए रिलेटेड, कोई भी उसमें ऑप्शंस नहीं है। इन दैट केस हम लोग AWS ब्लू कैटेलॉग एज अ मेटा स्टोर यूज कर सकते हैं। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? अच्छा ठीक है, ग्लू ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लू जब यूज करोगे, ग्लू जॉब यूज करोगे, तभी आप ग्लू कैटेलॉग यूज कर पाओगे, ठीक है? देर इज ऑप्शन टू एक्सेस ग्लू डेटा कैटेलॉग
फॉर योर EMR एप्लीकेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते, वेन एवर वी नीड इट, जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब करेंगे इसको। ठीक है, तो वॉट इज दिस नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को लिखना है क्या? ये आई राइट इट डाउन। ठीक है, और फॉर यूजिंग ग्लू कैटलॉग एज एक्सटर्नल मेटा स्टोर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लू कैटलॉग यूज किया जाता है। ठीक है, देयर यू कैन कॉन्फिगर डिफरेंट RDBMSs फॉर दिस मेटा स्टोर ऑल्सो। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मुझसे मत पूछो, आई होप इट हैज बीन कवर्ड इन स्पार्क। ठीक है, या फिर एटलीस्ट थियोरी में तो भी कवर किया होगा। ठीक है, एटलीस्ट हाउ हाइव मेटा स्टोर्स आर मैनेज, व्हाट आर हाइव मेटा स्टोर ऑप्शन, व्हाट आर एक्सटर्नल मेटा स्टोर्स, हाउ इट इज डन, वो आर्किटेक्चरल पार्ट है, वो आपको करना पड़ेगा अगर पढ़ाया नहीं होगा तो। ठीक है, क्योंकि सब चीजें सब पढ़ाई भी नहीं जाती, आर यू नीड टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, तो हाइव मेटा स्टोर क्या है ये सब चीजें एक बार देख लो। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शन टू कॉन्फिगर हाइव मेटा स्टोर, तो आपको RDBMSs यू कैन यूज इट फॉर दैट। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सिर्फ पॉसिबिलिटी का मतलब एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि यू कैन सर्च दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू कवर दिस थिंग, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू टीच। ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन एंड सर्च इट ऑन योर। सो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस। हमें AMI पता है, अमेज़न मशीन इमेज। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज AMI? यार क्या हुआ, 87 लोग है, इसी टू किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? सिर्फ क्वेश्चन पे तो एक वी वर सिलेक्टिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट इन AMI। वी ठीक है, ठीक, चलो मैं कॉन्फिगर्ड इसके बारे वर्चुअल में। मशीन। यस यस बोलो, कोई बोल रहे थे आप? प्री कॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन। प्री कॉन्फिगर्ड वर्चुअल मशीन, डज इट कंटेन हार्डवेयर पार्ट ऑल्सो? बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। कलेक्शन ऑफ नो ओएसडी सर, इट्स वर्चुअल। या EC2 भी तो वर्चुअल मशीन ही है, तो उसमें हार्डवेयर नहीं रहता है क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओएस फीचर्स। OS फीचर्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, आपको टेम्पलेट लॉन्च टेम्पलेट्स और AMI में डिफरेंस समझाया था मैंने। लॉन्च टेम्पलेट्स मतलब एक प्री कॉन्फिगर्ड टेम्पलेट है, व्हेन यू आर यूजिंग दैट टेम्पलेट यू कैन डायरेक्टली लॉन्च एन इंस्टेंस। इट कंटेन्स बोथ योर सॉफ्टवेयर पार्ट, दैट इज OS रिलेटेड पार्ट थ्रू AMI एंड योर हार्डवेयर पार्ट ऑल्सो। लेकिन AMI ओनली कंटेन्स योर OS रिलेटेड पार्ट एंड योर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये क्लियर था, हमने क्लियर किया था ये चीज EC2 के टाइम पे। यस विद दिस क्वेश्चंस नो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। ठीक है, नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर इट फ्लुएंटली एट दिस पॉइंट, बट यू शुड बी एबल टू आंसर दिस बाय एंड ऑफ व्हाट वी आर, मतलब AWS के एंड तक एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फ्लुएंटली आंसर सर्टन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, व्हाट इज AMI, यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, कोई भी अगर पढ़ रहे हो ना, रटने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू अंडरस्टैंड ट्राई टू मतलब कन्वे इट टू अदर पर्सन विथ हुम एवर यू आर स्टडिंग। तो क्या करो, पढ़ रहे हो ना, उसके बाद आपने कुछ चीजें पढ़ी है, तो एक एक दूसरे का इंटरव्यू ले लो ना, मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्कशन करो कि AMI क्या है, बताओ। ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर थ्रोन इनटू अ पूल, नो यू विल ट्राई टू मतलब हाथ पैर मारना शुरू करोगे ना, तभी स्विमिंग सीखते हो, राइट? तो आप अगर ये पहली बार आपके इंटरव्यू में फेस करोगे ना, यू विल फेस द डिफिकल्टी इन द इंटरव्यू। लेकिन अगर आप पहले ही उसको एनकाउंटर करोगे ना कि यार
मुझे पता तो है लेकिन मुझे आर्टिकुलेट करना नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर मुझे कैसे बताना है इसको, कैसे एक्सप्लेन करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, इन मिनिमम वर्ड्स विद इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉपर कीवर्ड्स, ठीक है। जब आप खुद को वो सिचुएशन में थ्रो करोगे ना, तो यू विल बी मतलब एबल टू आंसर इट फ्लुएंटली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग इट फॉर सेकेंड टाइम, ठीक है। क्योंकि हमने क्या होता है, हमने पढ़ी होती है चीजें बट हमने कभी उसको आगे वाले को समझाने का ट्राई नहीं किया होता, ठीक है। तो इंटरव्यू का पर्पज ही वही है, ठीक है। हाउ मच यू नो डजेंट इवन मैटर इन इंटरव्यू, आपको कितना पता है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे इट टू इंटरव्यू। इससे अग्री करते हो क्या? यस सर, अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो उसका नॉलेज, खुद में ही कंफ्यूज हो, आप एक चीज बताने जा रहे हो और किसी और चीज पे लेके जा रहे हो, आपका पूरा नॉलेज क्लटर्ड है, यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी, विल अदर पर्सन हैव दैट क्लैरिटी कि आपको कितना पता है? वो कंफ्यूज नहीं रहेगा क्या? यार ये तो ऑल ओवर द प्लेस चीजें बता रहा है, इसके इसको ये क्रक्स के बारे में पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो ऐसा ही इंप्रेशन जाएगा ना। फॉर दैट यू नीड टू हैव सर्टन आर्टिकुलेटेड आंसर्स फॉर एटलीस्ट फॉर बेसिक क्वेश्चंस। रटना नहीं है, ये ध्यान में रख लो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू हिट द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड जस्ट रिमेम्बर दोस पॉइंट्स कि क्या है ये, इसमें क्या आता है, ठीक है। उतना याद कर लोगे तो आप यू विल बी एबल टू कन्वे एनी कॉन्सेप्ट इन 2-3 लाइन्स, क्योंकि आगे वाले को भी इतना ज्यादा सुनना नहीं है यार कि ए एम आई मतलब हाँ ए एम आई ये है, उसमें ये भी है। इफ यू कैन हिट डायरेक्टली टू द पॉइंट विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड चीजें हैं इसमें और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज है, इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट इंक्लूड हार्डवेयर पार्ट, ठीक है। ये सिंपल चीज बता दी आपने, खत्म है, उसको समझ में आ गया कि यू नो अबाउट ए एम आई, ठीक है। ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी अमॉन्ग यूर सेल्फ, ठीक है। कभी भी मिलते हो एक दूसरे को पूछा करो क्या होता है, मतलब बाकी की चीजें भी डिस्कस करो, लेकिन कभी भी पढ़ाई 10% ऑफ द टाइम पढ़ाई की बातें कर सकते हो एक दूसरे को मिलने के बाद। यार ये देखो किसी को समझाना आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सिटू इन ब्रीफ, किसी को पूछ लो, यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग। आगे वाले की एक्सप्लेनेशन से भी आपको बहुत इंसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो ना तो सबसे सीख सकते हो कुछ ना कुछ, ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में हम लोग अमेजोन लिनक्स रिलीज यही ऑप्शन लेते हैं, कस्टम ए एम आई, हमें ये ए एम आई आई डी डालनी पड़ेगी, रेदर देन दैट विल चूज अमेजोन लिनक्स रिलीज, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई लेटेस्ट लिनक्स अपडेट, यस नॉट एन इशू। ये लिखना है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन? चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, आगे है क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आता है मेन पार्ट, ठीक है। एज यू कैन सी इन क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन देर आर टू ऑप्शन दैट यू कैन सी, क्या है दो ऑप्शन कोई बता सकते हैं मुझे? ऊपर दिख रहा है आपको, कंसोल भी नहीं समझ में आता है क्या? यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इंस्टेंसेस के रिलेटेड है सर वो। इंस्टेंस ग्रुप एंड इंस्टेंस फ्लीट है, राइट। यस चलो ये लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद में समझते हैं क्या है, ठीक है। व्हाट इज दिस थिंग, इंस्टेंस ग्रुप्स इंस्टेंस स्प्लिट। अभी ये बहुत चैलेंजिंग है समझाना, इनमें करता हूँ, ट्राई करते हैं। 50% लोगों को भी समझ में आ गया तो करते, ठीक है। तो इंस्टेंस ग्रुप और इंस्टेंस फ्लीट, ठीक है। क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चूज करेंगे, योर प्राइमरी कोर एंड टास्क नोड्स, यू कैन सी इट हियर, चूज अ कॉन्फ़िगरेशन मेथड फॉर प्राइमरी कोर एंड टास्क नोड ग्रुप फॉर योर क्लस्टर,
ये कॉन्फ़िगरेशन मेथड मतलब इंस्टेंस ग्रुप एंड इंस्टेंस फील्ड, ठीक है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर चूजिंग आवर प्राइमरी टास्क एंड कोर नोड्स, ठीक है। अब जब कोई नोड्स चूज करते हो तो व्हाट डू यू चूज, व्हाट डू यू मीन बाय एनी नोड, इंस्टेंस टाइप ही है उसमें, राइट। हार्डवेयर का कंपोनेंट क्या है, कोई भी मशीन का हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, EC2 में हार्डवेयर का कंपोनेंट क्या था आपका, व्हाट वर द हार्डवेयर ऑप्शंस दैट वर देयर इन योर EC2 मशीन, स्टोरेज एंड कंप्यूट पावर, कोर हाँ यस एंड रैम एंड स्टोरेज, यस एंड कोर्स रैम एंड स्टोरेज आर प्रोवाइडेड बाय विच ऑप्शन इन EC2, इंस्टेंस टाइप्स, इंस्टेंस टाइप, या राइट, इंस्टेंस टाइप्स, इंस्टेंस टाइप, हाँ। और स्टोरेज के लिए कोई एक्सटर्नल और कोई ऑप्शन था क्या उसमें, EBS का EBS, सर, EBS, EBS, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप, इंस्टेंस टाइप चूज करेंगे फॉर आर ईच टाइप ऑफ नोड्स, ठीक है। इंस्टेंस ग्रुप में जब चूज करते हो तो एज यू कैन सी यू आर एबल टू चूज ओनली वन टाइप ऑफ इंस्टेंस हियर, ठीक है। फॉर प्राइमरी तो आई विल बी प्रोग्रामिंग ओनली वन प्राइमरी नोड हियर, ठीक है। तो हम लोग कोर के लिए देखते, अभी कोर में देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार, अगर आपको 6 कोर नोड लेने हैं अपने क्लस्टर में, नॉट नेसेसरली आपको 6 के 6 कोर नोड एक ही टाइप के लेने हैं, राइट। कभी ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, कोई ऐसे सोच सकता है कि आई डोंट वांट ऑल कोर नोड्स ऑफ सिंपल सेम इंस्टेंस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या चूजिंग मल्टीपल कोर नोड्स, यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड बिलो यू हैव ऑप्शंस टू गिव नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू वांट टू प्रोविजन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेंस ग्रुप के बाद उसको डिफरेंशिएट करने में इंस्टेंस फ्लीट से, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो कोर नोड है, यहाँ पे देख रहे हो ये प्राइमरी नोड है, ये आपका कोर नोड है, ये आपका टास्क है, ठीक है, टास्क नोड। तो ये टास्क नोड है, तो इन कोर नोड्स जनरली आपको ये पता है ना, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में आपके स्पार्क में देयर इज वन ड्राइवर बट मल्टीपल वर्कर्स रहते हैं, राइट। यस सर, यस, मल्टीपल वर्कर्स डू, मतलब आप ऐसे कभी सोच सकते हो ना कि अलग अलग वर्कर्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के भी चाहिए हो सकते हैं आपको, यस, डू दे नीड टू बी ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, एज पर द नीड वी कैन डिफर द कंसंट्रेशन, यस यस, बट डू यू हैव दैट ऑप्शन इन दिस केस, इंस्टेंस ग्रुप के केस में आपके पास ऑप्शन है क्या वैसे, कैन यू ऐड एनी डिफरेंट इंस्टेंस टाइप टू इट इन केस ऑफ कोर, देर इज नो ऑप्शन। यहाँ पे भी देखो कोई ऑप्शन नहीं है, यू यू विल बी सिलेक्टिंग ओनली वन इंस्टेंस टाइप एंड यू विल प्रोवाइड नंबर ऑफ कोर नोड्स हियर, मतलब यहाँ पे अगर आपने 5 दे दिया कोर्स तो 5 कोर नोड्स ऑफ सेम इंस्टेंस टाइप ऐड होंगे, राइट। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्या अभी 5 अलग अलग इंस्टेंस टाइप के कोर नोड ऐड करने की इंस्टेंस ग्रुप में, तो नोड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑप्शनल लिखा है वो या उसमें नहीं हो सकता? अरे यार नहीं वो छोड़ो अभी के लिए, ओके नहीं है वो, ओके ठीक है वो नहीं है, वो चीज छोड़ दो, जो भी ऑप्शनल चीज है मैं पूछ रहा हूँ उतने का जवाब दो, डोंट ट्राई टू ड्वेल इन टू सम अदर थिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, ठीक है, इट्स नहीं, ओके। एक्चुअली मुझे क्या लगा कि नोड बोला था ना आपने, तो मुझे लगा वहां पे होगा उसका सेटिंग, इसलिए नहीं लगा। होगा, नहीं होगा, व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टाइम एंड अगेन, मतलब तो किसी चीज को कन्वे करने के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे इंस्टेंस टाइप पे जाना है इसके बाद, इंस्टेंस ग्रुप के बाद, आई एम अराइविंग टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो देर इज नो ऑप्शन टू सिलेक्ट डिफरेंट कोर्स
मतलब अगर मुझे M5 एक्स लार्ज का एक कोर लेना है, M5 लार्ज का एक कोर लेना है, M5 2X लार्ज का एक लेना है, ऐसे अलग अलग टाइप के कोर लेने हैं, तो इन दिस केस देयर इज नो सच ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो व्हेन यू गो टू इंस्टेंस फ्लीट नो, यू कैन यहाँ पे चूज वन इंस्टेंस टाइप पर नोड ग्रुप। यहाँ पे देखो लिखा है चूज वन इंस्टेंस टाइप पर नोड ग्रुप। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? व्हाट इज नोड ग्रुप? प्राइमरी विल बी योर वन नोड ग्रुप, कोर विल बी योर वन नोड नोड ग्रुप, एंड टास्क कैन हैव मल्टीपल नोड ग्रुप्स। टास्क में आप मल्टीपल नोड ग्रुप्स कॉन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, यस। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग इंस्टेंस ग्रुप, देन फॉर ईच नोड ग्रुप यू कैन ओनली प्रोविजन वन इंस्टेंस टाइप, एंड यू कैन प्रोवाइड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस विथ यूजिंग ओनली दैट इंस्टेंस टाइप। लेकिन इंस्टेंस फ्लीट में ऑप्शन है आपको चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस टाइप विद इन ईच नोड। डू यू गेट दिस पॉइंट? हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन आते हैं। सी, इन प्राइमरी, लेट्स इग्नोर प्राइमरी क्योंकि हमें प्राइमरी में एक ही लेना है अभी के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन कोर वी विल हैव मल्टीपल कोर नोड्स, तो देर इज ऑप्शन फॉर एडिंग इंस्टेंस टाइप। यू कैन एड वन मोर इंस्टेंस टाइप लाइक C1 मीडियम, यू कैन एड वन मोर लाइक जो भी C1 X लार्ज। ठीक है, व्हेन यू सी हियर नो, ठीक है, वन और मोर इंस्टेंस टाइप्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे ना यू कैन ऐड अप टू टू मोर इंस्टेंस टाइप, मतलब पांच डिफरेंट टाइप के इंस्टेंस आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज देयर फॉर योर प्राइमरी ऑल्सो। ठीक है, तो जनरली हम प्राइमरी को एक ही मास्टर, मतलब एक ही मास्टर रखते हैं जनरली। अगर एप्लीकेशन में मतलब फॉल्ट टॉलरेंस की नीड इतनी ज्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो इफ यू कैन सी दिस यू कैन कॉन्फिगर डिफरेंट टास्क मोड ऑल्सो। इट इज वेरी मच सिमिलर इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, तो वॉट वॉट कैन एनी वन एक्सप्लेन मी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंस्टेंस ग्रुप एंड इंस्टेंस फ्लीट? हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, समझ में आया क्या ये चीज? यस सर, कैन एनी वन एक्सप्लेन? इन द इंस्टेंस ग्रुप्स वी कैन हैव ओनली वन इंस्टेंस टाइप फॉर द मल्टीपल नोड्स, बट इन द इंस्टेंस फ्लीट्स वी कैन हैव द डिफरेंट इंस्टेंस टाइप एंड मैक्सिमम वी कैन हैव 5 इंस्टेंसेस। ओके, ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं अभी इस चीज को। वन इंस्टेंस टाइप फॉर ईच नोड ग्रुप। ईच नोड ग्रुप मतलब लाइक प्राइमरी और एक्सेट्रा। ठीक है, वन इंस्टेंस टाइप फॉर ईच नोड ग्रुप, राइट? और कोई पॉइंट है इंस्टेंस ग्रुप में और नहीं? ठीक है, तो इंस्टेंस फ्लीट में बताओ मुझे, अभी जिन्होंने बोला था बताओ मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोई भी बताओ। वी कैन योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मल्टीपल इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप्स टाइप्स एंड कैन बी चोजन, मैक्सिमम नंबर इज 5 नोड्स। यस, चोजन फॉर ईच नोड ग्रुप। ठीक है, हेलो सर, यस, नोड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? क्या क्या?
नोड ग्रुप के बारे में, लाइक प्राइमरी कोर एंड सपोज हाँ अरे नोड ग्रुप मतलब कुछ नहीं, आपके तीन टाइप के नोड्स है राइट, प्राइमरी कोर और टास्क के बराबर। तो आप प्राइमरी के लिए एक प्राइमरी एक हो गया आपका नोड, मतलब जनरल आप डिफाइन कर रहे हो प्राइम, यहाँ पे मैं प्राइमरी और कोर भी लिख सकता था। तो आपने प्राइमरी के लिए एक टाइप का इंस्टेंस चूज कर लिया, तो आप दूसरा इंस्टेंस टाइप चूज नहीं कर सकते वहां पे राइट। कोर के लिए एक टाइप का चूज कर लिया, ऑल दो यू वॉन्ट फाइव डिफरेंट कोर्स फॉर योर क्लस्टर, बट यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ चूजिंग वन इंस्टेंस टाइप, तो उसको नोड ग्रुप बोलते हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं। दीज आर थ्री डिफरेंट नोड ग्रुप्स, प्राइमरी कोर एंड टास्क। टास्क में यू कैन ऐड मल्टीपल ग्रुप्स ऑल्सो, इन टास्क देर विल बी मल्टीपल टास्क ग्रुप्स, ठीक है? क्लियर है क्या? सर? एक्चुअली उसका यूटिलिटी नहीं समझ में आ रहा, मतलब ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया है प्राइमरी कोर एंड टास्क में? अरे भाई आपका प्राइमरी नोड, मास्टर नोड और कोर नोड हर मास्टर बार प्राइमरी आपको सेम ही, प्राइमरी क्या है मतलब इज द मास्टर नोड मास्टर। क्या है? यस ड्राइवर मास्टर, ओके यस वो प्राइमरी मतलब मास्टर या ड्राइवर है ठीक है। तो आप आपके क्लस्टर में हर बार कोर नोड और प्राइमरी नोड सेम ही रखोगे क्या, मास्टर नोड सेम ही रखोगे क्या, बताओ? अलग अलग डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, यस सर। समझ में आ रहा है क्या आपको? यू हाँ सर मैम, तो विल हैव टू प्रोविजन प्राइमरी इट डिफरेंटली। प्राइमरी मतलब मास्टर है, तो आपको मतलब कंफ्यूजन थी कि व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज कोर है ना? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, प्राइमरी इज मास्टर, मतलब आप अगर स्पार्क आर्किटेक्चर में देखोगे आपका जो ड्राइवर रहता है वो प्राइमरी है ठीक है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी को इग्नोर मत करना जब बताते हो ना इंटरव्यू में, ट्राई टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी प्राइमरी कोर एंड टास्क ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है प्राइमरी, देन ओनली यू विल एक्सप्लेन देम अबाउट दैट इट इज अ मास्टर ठीक है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। हर टाइप के सर्विस का ना डिफरेंट आर्किटेक्चर है। व्हेन यू गो टू रेड शिफ्ट ऑल्सो, रेड शिफ्ट में सेम ही चीजों को अलग अलग नाम दिए है ठीक है। वहां पे कोर में जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटर को वो लोग नोड स्लाइसेस बोलते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेड शिफ्ट, इट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ रेड शिफ्ट आर्किटेक्चर ओनली ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है व्हेन यू आर, मतलब आप जब रेड शिफ्ट पढ़ोगे ना उसका आर्किटेक्चर पढ़ोगे, दोनों सिमिलर है, तो हमारे ना ज्यादा से ज्यादा जहन में ना स्पार्क रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेड शिफ्ट ऑल्सो ठीक है। बट यू नीड टू पुट सम कॉन्शियस एफर्ट्स कि अगर मैं रेड शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं नोड स्लाइसेस ही बोलूंगा उसको ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बताऊंगा आपको सिमिलैरिटीज और आर्किटेक्चर में क्या क्या अलग नाम है वो सब बताऊंगा। बट दिस इज क्लियर राइट, प्राइमरी कोर एंड टास्क सर ठीक है। इतने डाउन वॉइस में बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। प्राइमरी मतलब योर मास्टर, इफ यू आर, इफ यू सी योर स्पार्क आर्किटेक्चर देयर आर ड्राइवर, देयर इज वन ड्राइवर दैट ड्राइव्स द प्रोग्राम। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ड्राइवर? क्वेरी प्लान डिस्ट्रीब्यूटिंग द बनाता है वो राइट, डेटा टू टू एलोकेट रिसोर्स। एलोकेट रिसोर्सेस, क्वेरी प्लान बनाता है वो, क्वेरी प्लान के अकॉर्डिंगली वो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, टेक्स फीडबैक फ्रॉम योर वर्कर्स ऑल्सो, रिसीव्स क्या बोलते हैं एग्रीगेटेड आउटपुट्स फ्रॉम योर वर्कर्स, उसका एग्रीगेशन करता है ठीक है। आउटपुट के लिए इंटरेक्टिव वर्कलोड है तो आउटपुट के लिए भी ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके, ये आर्किटेक्चर तो पता है ना स्पार्क का आपको यस ठीक है। सर। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्कर नोड्स वो भी आपका ड्राइवर ही करता है, हेल्थ ऑफ योर वर्कर्स वो कौन डिटरमाइन करता है बताओ, ड्राइवर ही करता है क्या? यार थोड़ा कंफ्यूज कर दिया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। रिसोर्स मैनेजर करता है, फॉल्ट टॉलरेंस इन स्पार्क इज अचीव्ड यूजिंग, चलो यान का फॉल्ट टॉलरेंस होता है ठीक है। तो वो लीनियज
लीनियज वगैरह पता होगा आपको, लीनियज डैग, वो अलग फॉल्ट टॉलरेंस है, और यार्न रिसोर्स मैनेजर भी आपके फॉल्ट टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनबिल्ट स्पार्क फॉल्ट टॉलरेंस यार्न रिसोर्स मैनेजर देता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी वर्कर नोड फेल होता है ना, तो यार्न रिसोर्स मैनेजर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीलॉन्च अ कंटेनर टू रन द जॉब्स दैट वर रनिंग इन अ फेल्ड वर्कर नोड, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लो यार, आपको ना इंटरव्यू में ना स्पार्क के कोई ना ज्यादा कोड्स नहीं पूछता है। स्पार्क का आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड चीजें, आर्किटेक्चर इन द सेंस नॉट जस्ट द फ्लो ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी सारी चीजें है ना, यार्न फॉल्ट टॉलरेंस, ये सब चीजें बहुत पूछी जाती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पार्क आपको कोडिंग रिलेटेड सिर्फ बेसिक ट्रांसफॉर्म्स लिखने आ गए या फिर डिफरेंट डेटा सोर्सेस को पार्स करना आ गया तो बहुत है, लेकिन स्पार्क में ना आपको बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल लेवल चीजें बहुत पूछी जाती है कि इस टाइप का अगर डेटा आ रहा है तो कितने वर्कर्स लगेंगे या फिर कितने नोड्स लगेंगे, तो कैसे प्रोविजन करोगे उसके लिए, ये सब चीजें। तो देख लो किसी से क्वेश्चंस वगैरह ले लो स्पार्क रिलेटेड, ट्राई टू स्टडी दोस्ट, ठीक है। स्पार्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरव्यूज में, आपकी अगर स्पार्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डेटा प्रोसेसिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इफ यू आर गुड एट पाइथन एंड सिक्वल बट यू आर नॉट गुड एट स्पार्क, देन व्हाट व्हाट डज इट कन्वे, ठीक है। पूरा आपका बैकबोन है स्पार्क, ठीक है। वेदर यू आर वर्किंग इन वेदर यू विल बी वर्किंग विद स्पार्क व्हेन यू आर गोइंग इन टू कंपनी और नॉट, बट स्पार्क इज योर बैकबोन टू अंडरस्टैंड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। अगर आप सिक्वल बेस्ड भी काम करते हो मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेस में लाइक रेड शिफ्ट, स्नोफ्लेक, लेकिन जो भी आर्किटेक्चर है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू स्पार्क ओनली, दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू, राइट। ई एम आर का आर्किटेक्चर और रेड शिफ्ट का आर्किटेक्चर वेरी मच सिमिलर ही है, दोनों क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम है, तो उसमें सारी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, सिर्फ नाम अलग दिए है, ठीक है। तो आपको स्पार्क का ये सब चीजें ना कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो कहा थे हम लोग, प्राइमरी कोर्स एंड ठीक है इंस्टेंस फ्लीट में थे, हमारे पॉइंट्स मिसिंग थे अभी, हमने लिखा नहीं, मैक्सिमम 5 इंस्टेंस टाइप्स कैन बी कॉन्फिगर्ड, राइट, ठीक है। और कोई पॉइंट मिसिंग है इसमें इंस्टेंस टाइप टाइप में? और ये थियरी की ना ज्यादा चिंता मत करो, ये बाकी चीजें है ना, मैं अभी आपको मेरे नोट्स इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ना आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप पहले खुद के नोट्स बना लो, आई विल प्रोवाइड माई नोट्स एट द एंड ऑफ आर सिलेबस, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है रिलेटेड टू योर AWS, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, हम लोग पढ़े जा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कन्वे सर्टन क्वेश्चन टू यू गाइज, इफ यू आर पेइंग अटेंशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई सोर्स चाहिए क्वेश्चन का वगैरह, डोंट मतलब अभी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन इटसेल्फ। अभी ना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाओ सर्विसेज के रिलेटेड, आखिरी में आपकी कॉन्सेप्ट की अगर अंडरस्टैंडिंग है, यू विल जस्ट गो थ्रू सर्टन क्वेश्चन एंड यू विल रेक्टिफाई कि हाँ ये पॉइंट मेरा मिसिंग था, मुझे 5 पॉइंट आ रहे थे, ये 6 पॉइंट है, दैट इज वैल्यू एडिशन फॉर, ठीक है। तो अभी से इंटरव्यू के लिए पढ़ना मत शुरू करना, सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे ना तो कंपनी में जाके काम करने में दिक्कत होगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे कोई काम दिया जाएगा तब मुझे करना आना चाहिए। इंटरव्यू के लिए तो 1 महीने में पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो फॉर नोट्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई विल प्रोवाइड यू दैट, आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड सर्टन नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक ब्लू रेड शिफ्ट, आई हैव ईएमआर के लिए भी है मेरे पास, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड दैट, मैंने डॉक्यूमेंटेशन खुद पढ़े हैं, उससे नोट्स निकाले हैं चीजों के, लेकिन सिर्फ मैं नोट्स देने वाला हूँ तो उस पर रिलाय मत करना, खुद से पढ़ लो। मेरे भी कुछ लिमिटेशन होंगे, राइट, मैंने भी कुछ गलत चीजें समझी हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन से, इट इज गुड इफ यू रीड इट ऑन योर ओन
एंड एट द एंड अगर आपको मेरे नोट से कुछ एडिशनल चीजें मिलती है दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, अगर आपने कुछ मिस आउट की है तो, लेकिन खुद से एफर्ट डालो, ठीक है। आप किसी और के नोट्स जब पढ़ते हो ना, यू आर लिमिटिंग योर ओन पोटेंशियल, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। किसी और के नोट्स पे ना कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, मतलब उसने जो समझा है उसमें से आप पढ़ रहे हो, मतलब आपका नॉलेज जो उसने पढ़ा है उससे भी कम आएगा, ठीक है। तो जस्ट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, इंस्टेंस ग्रुप, इंस्टेंस फ्लीट, ये समझ में आया इंस्टेंस ग्रुप इंस्टेंस फ्लीट क्या है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यस ठीक है। चलो मैं अभी के लिए ना टास्क इंस्टेंस रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि फालतू का चार्ज लगेगा, ठीक है। वन कोर और वन प्राइमरी के साथ हम लोग आगे जाएंगे, और ठीक है, आई हैव प्रोविजन दिस वन कोर। ओके, या आपने वीपीसी पढ़ा होगा, राइट? वीपीसी यस पढ़ा है क्या सबने? यस तो आई विल बी चूजिंग दिस डीएस वीपीसी, मैंने अभी क्रिएट किया। मेरे ना डिफॉल्ट वीपीसी में कुछ इश्यू आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने प्रोविजन करके देखा था क्लस्टर, लेकिन वो टर्मिनेटिंग विथ एरर्स आ रहा था ड्यू टू वीपीसी रिलेटेड चीजें, कुछ राउट राउट टेबल के ब्लैक होल के कुछ इशू आ रहे थे, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड न्यू वीपीसी, दैट इज डेटा साइंस वीपीसी, तो आई एम चूजिंग दैट वन। यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन वीपीसी, ठीक है। कुछ नहीं, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग ही चूज कर लो, वो ऑटोमेटिक कॉन्फिगर हो जाता है वीपीसी। आपको कुछ चीजों में ना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको कि सबनेट कैसे कैलकुलेट होता है, वीपीसी की आईपी रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, कोई नहीं पूछेगा। जो नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं ना प्रोफाइल के लिए, उनको पूछते हैं वो चीजें, क्योंकि ना कुछ कुछ हम में से कुछ बच्चे होते हैं वो डरा देते हैं, ठीक है, कि एक यूट्यूबर ने हमें बताया कि आईपी रेंज कैसे कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन किस प्रोफाइल के लिए पूछा जा रहा है वो सुनता नहीं है बंदा। जो आपको आने के बाद जब बताता है, आपको भी लगता है यार ये तो मुझे नहीं आता है। बोलो क्या हुआ? तो ज्यादा पैनिक मत करना कुछ चीजों से, ठीक है। यू शुड रिलाय ऑन योर ओन थिंग्स, ठीक है। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट बना करो, कोई कुछ बोल रहा है ना सुनो लेकिन वेरीफाई करो। चलो लेट्स मूव अहेड। हाँ, व्हाट इज दिस ऑप्शन, क्लस्टर स्केलिंग एंड प्रोविजनिंग ऑप्शन, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। देर आर थ्री ऑप्शन, वन इज मैन्युअल क्लस्टर स्केलिंग, दैट मतलब ये विदाउट स्केलिंग का ऑप्शन है, यू आर सेटिंग द क्लस्टर साइज मैन्युअली, बट देर आर सर्टन ऑटो स्केलिंग ऑप्शन लाइक EMR मैनेज स्केलिंग या एज वेल एज कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग। विल सी इट, जस्ट आई विल राइट इट हियर सो दैट विल हैव अ स्ट्रक्चर टू एड पॉइंट्स टू इट जब हम लोग उसके डिटेल्स में जाएंगे। आप ना खुद को एंगेज करके रखो, मैं जब ये कुछ लिखने जाता हूँ ना तो यू शुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन ऑल्सो, नहीं तो अटेंशन स्पैन रहता नहीं, ठीक है। फोन फोन देखने लग जाओगे, ऐसे कुछ करोगे, ठीक है, उससे अच्छा है कि एक नोटबुक लेके, रफ नोटबुक जो भी लेके बैठना है बैठा करो और लिखा करो, सो दैट यू विल नॉट लूज द अटेंशन। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं लिखते समय आपका अटेंशन तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, कैन एनीवन टेल? EMR मैनेज्ड यस, द थर्ड वन इज कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग, राइट? ठीक है, चलो एक क्या क्या है इसके डिटेल्स देखते हैं हम लोगों की, ठीक है। सेट क्लस्टर साइज मैन्युअली, मैन्युअली मतलब आप सिर्फ अपने हिसाब से जो भी आप आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से क्लस्टर का साइज दे रहे हो, देर इज नो ऑप्शन फॉर स्केलिंग एंड ऑल दैट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। EMR मैनेज स्केलिंग मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो,
ईएमआर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि टू स्केल योर क्लस्टर, स्केल आउट और स्केल इन योर क्लस्टर। तो ईएमआर को आप क्या प्रोवाइड करते हो, जस्ट व्हाट इज द मिनिमम क्लस्टर साइज यू वांट, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लस्टर साइज यू वांट। लाइक अगर 5 होगा, ठीक है, मैक्सिमम क्लस्टर साइज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम कोर नोड्स। ओके, हाँ, तो ये हमें ऑफ कोर्स अगर ये हमने 5 करते, ठीक है, तो आप ये चीजें प्रोवाइड करते हो, मिनिमम क्लस्टर साइज, मैक्सिमम क्लस्टर साइज, मैक्सिमम कोर नोड्स इन द क्लस्टर, ठीक है, मैक्सिमम ऑन डिमांड इंस्टेंसेस इन द क्लस्टर। तो ये सारी चीजें जब प्रोवाइड करते हो आप, उसके हिसाब से फिर ईएमआर टेक्स केयर ऑफ योर स्केलिंग नेट्स। समझ में आ रहा है? ऑटो स्केलिंग जो होता है, हमने जो EC2 इंस्टेंस में भी देखा था, जब ELB वगैरह देखा था हमने, इलास्टिक लोड बैलेंसर या फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स वगैरह, तो उसमें भी आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ ये दे रहे थे ना इंस्टेंसेस, राइट? लोड की वेरिएबिलिटी के हिसाब से इट वुड हैव स्केल्ड आउट और स्केल्ड इन। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, ये EC2 इंस्टेंस पढ़ा है सबने, EC2 पढ़ा है ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पढ़ा है हमने, तो दिस इज वेरी मच सिमिलर, राइट? बोलो। यस ठीक है, चलो, तो व्हाट इज दिस थर्ड ऑप्शन? ठीक है, यहाँ पे तो अब हमें समझ में आ गया है क्या है ये, ठीक है, व्हाट इज दिस थर्ड ऑप्शन? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ठीक है, अभी नहीं समझ में आया ना, छोड़ देना, ठीक है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो थर्ड ऑप्शन में ना, यहाँ पे जैसे ईएमआर मैंने स्केलिंग है, मतलब व्हाट इट मींस इज ईएमआर ऑन इट्स ओन डिटरमाइंस व्हेन टू स्केल इन एंड व्हेन टू स्केल आउट, राइट? ईएमआर का खुद का इंटेलिजेंट इंजिन है कि जो डिसाइड करेगा कि आपके वर्कर नोड्स, मतलब कोर नोड्स कब बढ़ाने हैं और कब रिड्यूस करने हैं। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हो, कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड सर्टन रूल्स कि ये ऐसी इतने रिक्वेस्ट होने के बाद या फिर ये टाइप का डेटा आने के बाद मुझे स्केल आउट करना है, और ये इतना टाइप का डेटा आने के बाद मुझे स्केल इन करना है, बराबर? तो यहाँ पे जब देखोगे आप, यू कैन अटैच एक्शंस टू इट। हाँ, यहाँ पे देखो, एडिट कस्टम ऑटोमेटिक पॉलिसी फॉर इंस्टेंस ग्रुप 4, ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनिमम इंस्टेंसेस दोगे 1 और मैक्सिमम अगर 5 दोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके स्केल आउट के कस्टम रूल लिखने हैं, यहाँ पे स्केल इन के कस्टम रूल लिखने हैं। स्केल आउट मतलब क्या है? स्केल आउट मतलब आप कब ऐड करोगे इंस्टेंसेस, राइट? ये चीज समझ में आ रही है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? कितने लोगों को समझ में आ रही है, कितने लोगों को बाउंसर नहीं जा रही है? एंड्रेस, विल गो थ्रू इट अगेन अदरवाइज। यार इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को हैंड रेस करने में? सोचते हो क्या मुझे समझ में आई है या नहीं? जल्दी करा करो। बाकी लोगों को नहीं समझ में आई है, रिपीट करना है? यस सर, ठीक है, बताओ ना फिर, मैं अब तक पूछ रहा था, क्यों नहीं बता रहे थे? करते हैं रिपीट हम लोग। देख, मैं अब भी क्या बोल रहा था कि ये दोनों ऑटो स्केलिंग के ऑप्शन है, ठीक है, व्हाट इज, वन इज ईएमआर मैनेज स्केलिंग, वन इज कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग, ठीक है। तो ईएमआर मैनेज स्केलिंग में, एज ईएमआर इज मैनेजिंग योर स्केलिंग नीड्स, मतलब क्या है कि आप उसको मिनिमम और मैक्सिमम क्लस्टर साइज दे दोगे, वो अपने इंजिन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके क्लस्टर को रिसाइज करेगा, रिसाइज नहीं बोल सकते, अब स्केल आउट या स्केल इन करेगा, ठीक है। स्केल आउट स्केल इन ये टर्म्स पता है हमें,
अगर ये भी नहीं पता है ना, तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट, यू आर फेलिंग समवेयर टू स्टडी। ठीक है, स्केल आउट ये लिख के दिया था मैंने, अपने नोट पैड में भी होगा। स्केल आउट मीन्स एडिंग एडिशनल नोट्स, एंड स्केल इन मीन्स रिमूव नोट्स। ठीक है, तो स्केल आउट और स्केल इन अपने अल्गोरिदम के हिसाब से ईएमआर करेगा, ईएमआर मैंने स्केलिंग। लेकिन व्हेन यू आर चूजिंग दिस ऑप्शन ऑफ डिफाइनिंग कस्टम ऑटो स्केलिंग, ऑटोमेटिक स्केलिंग, देन यू विल हैव टू राइट, मतलब आपको अपने रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि ये स्टेट अचीव होने के बाद मुझे स्केल आउट करना है। ठीक है, मतलब समझो 10 GB का डेटा आने के बाद मुझे नोट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, और 5 GB का डेटा आने के बाद, जनरली एवरेज डेटा 7-8 GB का है, लेकिन 5 GB का डेटा आ रहा है समझो, तो मुझे मेरे नोट्स घटाने हैं। ठीक है, तो कस्टम, अभी जब भी ऑटोमेटिक स्केलिंग की ऑप्शन चूज करोगे, तो यू विल हैव टू डिफाइन योर स्केल आउट एंड स्केलिंग रूल्स, स्केल इन रूल्स। तो फॉर दैट वी आर चूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम इंस्टेंसेस और मैक्सिमम इंस्टेंसेस डिफाइन कर रहे हैं, विच इज वेरी मच सिमिलर टू ई एम आर माइनस स्केलिंग। वहां पे भी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंसेस दे ही रहे, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनल क्या देना पड़ रहा है, जो ई एम आर माइनस स्केलिंग में ई एम आर यूज टू टेक केयर ऑफ इट इज दिस थिंग, स्केल आउट एंड स्केल इन ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केल आउट और स्केल इन की हमारी है। ठीक है, तो वी विल हैव टू एड कस्टम रूल्स। सो देर आर, सो आई हैव एडेड दिस कस्टम रूल, इफ यू सी। इफ यू सी दिस रूल नंबर वन, एड हाउ मेनी इंस्टेंसेस यू वॉन्ट टू एड, इफ देर आर डिफरेंट स्टेट्स दैट आर देयर। अभी हमें ये नहीं देखना है, ठीक है, हम लोग इतना ऑटोमेटिक कस्टम ऑटोमेटिक पॉलिसीज वगैरह बनाते नहीं है कभी। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोविजनिंग के ना आपकी इंफ्रा टीम हैंडल करती है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे इसमें तो मुझे सिर्फ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, मुझे पता भी नहीं रहता है कि वो रिसाइज कब हो रहा है, उसमें कौन सी पॉलिसीज लगी है, वहां पे कौन सी इंस्टॉलेशन है, ये भी नहीं पता है मुझे। मेरे केस में, मेरे इसमें ई एम आर ही यूज होता है। तो ये सारी चीजें है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग वाले है ना, उनकी नीड है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस। ठीक है, तो देर आर दिस ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन, अगर समझो ऐप स्पेंडिंग के हिसाब से आपको स्केल आउट करना है सब, तो ऐप स्पेंडिंग इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वॉट एवर नंबर यू वॉन्ट टू एड। ठीक है, काउंट फॉर वॉट एवर। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हो, ये सारी चीजें है ना, यू आर डिफाइनिंग इट ऑन योर ओन। जब भी आप कोई भी ऑटो स्केलिंग पॉलिसी को कस्टमाइज कर रहे हो, यू विल हैव टू डिफाइन दिस रूल ऑन योर ओन। ये सिर्फ चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे स्केल आउट के लिए किया है वैसे स्केल इन के लिए भी करना पड़ेगा आपको। देखो, स्केल इन रूल्स टर्मिनेट वन इंस्टेंस इफ वॉट एवर कंडीशन हैपन्स, उसके बारे में डिटेल्स देनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारे आउट ऑफ स्कोप है, टू बी ऑनेस्ट। जस्ट यू शुड नो दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट कस्टम स्केल आउट एंड स्केल इन रूल्स। ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग ईएमआर मैंने स्केलिंग भी नहीं ले रहा है। ठीक है, हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस 3 ऑप्शंस? यस सर, यस सर, यस सर। चल, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। यू गाइस विल बी टेलिंग मी व्हाट टू राइट नाउ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर गिविंग द कस्टमर स्लाइड्स मैन्युअली। नो ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ई एम आर मैंने स्केलिंग में प्रोवाइड, EMR is taking care of scaling. यस, प्रोवाइडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स
नंबर ऑफ नोड्स ओके EMR टेक्स केयर ऑफ स्केलिंग बेस्ड ऑन इट्स एल्गोरिथम। ठीक है, और थर्ड केस में क्या है, प्रोवाइडिंग यही लिख लेता हूं, प्रोवाइडिंग दिस ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्केलिंग रूल्स दैट इज स्केल आउट रूल्स एंड स्केल इन रूल्स। ठीक है, और कोई पॉइंट मिसिंग है बोलो। आगे बढ़ते तो विल बी चूजिंग दिस ऑप्शन ऑनली। ठीक है, मैंने बीपीसी चूज किया था क्या अभी? यस ठीक है, सो आई हैव चूजन दिस बीपीसी। हाँ, तो ईसी टू सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपको पता है क्या है, तो हर हर आपके इंस्टेंस के लिए कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप, अगर कोई पोर्ट्स डिसेबल करने हैं, सिक्योरिटी ग्रुप आपका इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, दैट यू नो, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दैट। व्हाट आर स्टेप्स, स्टेप्स हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट आर स्टेप्स, जो भी आपके जॉब्स है इन टू द EMR क्लस्टर दैट आर सबमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स इन द EMR। ठीक है, जैसे ग्लू में आप ग्लू स्क्रिप्ट डाल रहे थे, उसके हिसाब से आप प्रोसेस कर रहे थे, तो EMR क्लस्टर प्रोविजन होने के बाद यू विल ऐड योर जॉब्स। आप आपके डेटा प्रोसेसिंग के यूनिट को जॉब ही बोलते हो ना, एक कोई जॉब सबमिट होता है राइट, या फिर एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल जॉब्स है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन और अ जॉब, इट विल बी थ्रू स्टेप्स ओनली। तो जब क्रिएट कर रहे हो तब भी आप स्टेप ऐड कर सकते हो, और प्रोविजन होने के बाद भी ऐड कर सकते हो। एंड फॉर एडिंग स्टेप देयर इज दिस कंसोल ऑप्शन, एज वेल एज यू कैन डू इट बाय CLI, ऑल्सो यू कैन डू इट यूजिंग व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन बोलो, SDK. SDK, दैट इज बोटो 3 फॉर पाइथन राइट। यस, सो दिस इज ऑप्शनल, तो हम लोग अभी नहीं करते हैं। हाँ, व्हाट इज दिस क्लस्टर टर्मिनेशन, क्लस्टर टर्मिनेशन क्या है? यार आजकल बहुत चीजें बची है। कैन वी डू दिस टुमारो गाइस, इट्स बिन 1.5 आवर नाउ। ठीक है, तो हम लोग बाकी की चीजें ना, बाकी के ऑप्शन कल देखते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी है अभी। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल कवर दिस ऑप्शंस टुमारो, विल गिव अ ब्रीफ रिविजन फॉर द ऑप्शंस दैट आर कवर्ड टुडे, बाकी सारी चीजें हम लोग कल करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लस्टर लॉन्च करके देखते हैं। ठीक है, चलेगा? यस सर, क्योंकि इट विल टेक 1 आवर मोर, हर चीज को समझाना है, मतलब बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो विल डू 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 दैट टुमारो, उसके बाद हम लोग SSH वगैरह करके देखते हैं हमारे मास्टर। ठीक है, सो आई थिंक विल बी एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट just you can ask me in this 5 minutes. I'll stop sharing as well as stop recording. One second.